और ये अनावरण हुआ, ये अनावरण हुआ है और उस स्क्रीन का जिस पर ये वेबसाइट है, तो ये अब वो फाइलें प्रशांत वहां पर मौजूद, एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत, कदम कदम बढ़ाए जा कि धुन वहां सुनाई दे रही है, और ये वेबसाइट अब क्या इस वेबसाइट के जरिए अब कोई भी देख सकता है जी कि फाइलों में क्या है? मैंने पहले भी जी बिल्कुल किशोर, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें जानकारी यही है कि जितनी भी फाइलें सार्वजनिक की जाएंगी उनको एक वेब पोर्टल पर रखा जाएगा, netaji.com मोस्ट प्रोबेबली उसका नाम है, और उसको अब से आप, मुझे लगता है कि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अब उसको लॉन्च भी करने वाले हैं। वो देख रहे हैं एक वेबसाइट को, और इसी वेबसाइट पे सारी फाइलें, तो जो भी फाइलें सार्वजनिक आज की जाएंगी उनको रखा जाएगा। आम लोग भी उस वेबसाइट पर जाकर सारी फाइलें पढ़ सकते हैं, उनसे अपने कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, उनसे अपने किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री देख रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ तस्वीरें और फाइलों की कुछ तस्वीरें और नेताजी की कुछ तस्वीरें, वो एक एग्जीबिशन के तौर पर वहां पर लगाई गई है नेशनल आर्काइव्स में, उसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं, फाइलों को प्रधानमंत्री देख रहे हैं, और एक दूसरे कमरे में नेताजी के परिवार के कुछ सदस्य वहां पर मौजूद हैं, और जो पहले से संसद भवन भी गए थे सुबह में नेताजी के परिवार के सदस्य, नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि देने, उनके उन सदस्यों से प्रधानमंत्री मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उनसे पहले भी प्रधानमंत्री की कई मरतबा मुलाकात हो चुकी है और उसके बाद इस फैसले पर पहुंचा गया था। तो प्रधानमंत्री आज फिर एक दूसरे कमरे में, जिस कमरे में अभी मुआयना कर रहे हैं नेताजी की कुछ तस्वीरों का और फाइलों का, उसके बाद दूसरे कमरे में जाकर उनसे बातचीत करेंगे, और हो सकता है प्रधानमंत्री पूरे कार्यक्रम के अंत में, जो कि आधे घंटे का ये एक ऑफिशियल फंक्शन है आज की समारोह का, उसके अंत में वो एक कुछ अपने तरफ से बयान देते हैं, लेकिन उसके पहले वो नेताजी के सदस्यों से नेताजी के परिवार के सदस्यों से बातचीत भी करेंगे। जी प्रशांत, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, यहाँ बता दें हम कि संवाददाता अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए जो ठीक ठीक जानकारी असल में किस तरीके से वो वेबसाइट, लोग उस वेबसाइट पर जा सकेंगे, उसका उसके बारे में जानकारी बस अभी इंतज़ार है उसका, सरकार की तरफ से घोषणा होगी, क्योंकि ये तस्वीरें तो हम आप तक ज़रूर पहुंचा पा रहे हैं अंदर क्या हो रहा है, लेकिन संवाददाता अंदर मौजूद नहीं है, सिर्फ तस्वीरें वहाँ से पहुँचाई जा सकती हैं।